HTML सीखने की सीरीज में आज हम बात करेंगे कैसे टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट एरिया। देन टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग होता है जिसको हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे टेक्स्ट एरिया और सिंपली इसको सेव करके, अगर आप अभी इसको हमने सेव कर दिया है, जैसे मैंने इसको सेव मैंने पहले से इसको सेव करके रखा है यहाँ पे। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक टेक्स्ट एरिया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक टेक्स्ट एरिया का बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से जितना अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको परमानेंट रखना है तो वो CSS का काम है, आप इसका विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ हमने टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया है। अब आपने कभी फॉर्म देखा होगा, इनपुट फॉर्म देखा होगा कि जिसमें हम अपना नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो वो हम अभी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको यूज करना है इनपुट टैग, इसमें टाइप टाइप इक्वल टू, अब इसको मैं टेक्स्ट नाम दे रहा हूँ कि इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम इनपुट मतलब उस बॉक्स में हम टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए आपको एक छोटा वाला बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला जिसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट वाइज आपको दिख रहा है, नंबर भी कुछ भी। तो ये बड़ा वाला, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। इसको अच्छे से दिखने के लिए मैं एक कर देता हूँ इसको एक। तो यहाँ मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी कि ये अलग अलग मतलब ऊपर का जो है वो टेक्स्ट एरिया है और नीचे का है हमारा इनपुट टेक्स्ट है। टेक्स्ट एरिया इनपुट में ये डिफरेंस है कि टेक्स्ट एरिया में हम अपने अकॉर्डिंग जितना मन करे उतना टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। जितना एक एरिया जैसे नोट पैड है, सब टेक्स्ट एरिया, ये पूरा टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट इनपुट में आप फॉर्म देख लेंगे तो इसमें नेम लिख के आता है। तो अपने जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे नेम कॉलन, अब अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो ये आपको ये आगे नेम दिख जाएगा। तो आपने फॉर्म में देखा होगा। और एक और चीज आपने देखी होगी फॉर्म में कि इसमें कुछ ब्लर टाइप में कुछ लिख के आता है, जैसे इंटर नेम ऐसा ब्लर टाइप में लिख के आता है जब आप कोई भी फॉर्म देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से प्री डिफाइंड फंक्शन है या फिर कुछ लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है, जैसे उसको लिखते हैं प्लेस होल्डर। अब यहाँ आपको जो लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटर नेम हेयर, ये प्लेस होल्डर है। अब ये वैल्यू जाके इस बॉक्स में इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में ब्लर टाइप हो जाएगी। जैसे मैं इसको सेव करके अब रन करता हूँ तो ये देखिए ब्लर टाइप में आ गया है इंटर नेम हेयर। तो इसमें हम नेम जैसे ही लिखेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपने फॉर्म में देखा होगा। तो इसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया देख लिया, हमने टेक्स्ट इनपुट देख लिया। अब इसी में सेम जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड, अब सेम हमारा जो सिंटेक्स है टाइप, अब इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा था। अब इसमें हम अगर पासवर्ड लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। मैंने पासवर्ड लिखा, सेव सेव किया, अब यहाँ रन करता हूँ तो एक न्यू टेक्स्ट इनपुट आया एरिया। इसमें अब हम कुछ भी लिखेंगे वो पासवर्ड मतलब हाइड रहेगा और स्टार टाइप प्रिंट होगा, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इनपुट टाइप तो सबके लिए कॉमन है कि जो भी हमसे यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट टाइप। अब टाइप में आप जो भी असाइन करते हैं उस टाइप का आपका वो बॉक्स, वो इनपुट बॉक्स आपका बिहेव करेगा। जैसे इसके बाद मैं लिखता हूँ ईमेल इनपुट टाइप ईमेल, इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ एक ईमेल का बॉक्स, ये बॉक्स नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि हमने मिनिमाइज किया है। जैसे यहाँ देखिए साइड में आ रहा है तो हमने साइज को मिनिमाइज कर दिया है। तो अभी मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक बीआर टैग लगाता हूँ जिसे आप ब्रेक लाइन टैग बोलते हैं, जिसे
नीचे आ जाएगा ईमेल। तो यहाँ ईमेल में देखिए हम कुछ भी लिखेंगे तो ये जब तक देखिए यहाँ पे ईमेल में हमने लिखा तो ईमेल का एक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एट दी रेट आता है उसमें। तो ये जब तक आप एट दी रेट नहीं डालेंगे तब तक ये ऐसा ही रेट दिखाई देगा जैसे मैं बता रहा हूँ, RKIT@1234। अब ये रेट नहीं दिखाएगा, आगे कैसे रेट है क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए वो रेट दिखा रहा है क्योंकि वो मैच नहीं कर पा रहा है किसी से। लेकिन एट दी रेट के बाद कुछ भी नहीं दिखाएगा, अब ये हमारा ईमेल है। तो एक इनपुट टाइप से ही आपका पूरा इनपुट बॉक्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो अभी मैं यहाँ मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो हम वही सिंटेक्स फिर से लिखेंगे, टाइप यहाँ मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब ये सिर्फ यहाँ एक अपना अभी सिर्फ एक नंबर लेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो देखिए रेड लाइट आ गई नीचे, रेड लाइन। अब इसके अगर कोई नंबर ऐड कर दिए तो नहीं आएगी। तो एक इनपुट से इनपुट टाइप का पूरा बिहेवियर चेंज कर दे रहा है इनपुट बॉक्स से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मैं बटन, चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में बताऊंगा, कुछ और इनपुट बॉक्सेस के बारे में जानेंगे जिससे हम बाद में एक प्रोजेक्ट है मतलब एक फॉर्म टाइप वेब पेज क्रिएट कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे और प्रैक्टिस करिए।